बहुत कुछ होया, जो कुछ भी होया, असी तीन मैंबरी कमेटी बनी है ना, हुण तीन मैंबरी कमेटी बनी है। एक बहुत सारा मतलब शंका हजे गल बाकी, क्योंकि जिन्नी गल बाहर निकल के आउंदी है वह जिन्ना चिर सारी गल निकल के लोगों के सामने ना आवे तो पता नहीं लगता गा भी ये खमनी क्यों नहीं यह फैसला हो रहा। दो गल्लां समझो जे गल की है। एक तो प्यारे दोस्तों भी जिहड़ी साडी तीन मैंबरी कमेटी जिस दिन बनी है, तुहाडे चो बहुत सारयां नूं पता होगा फेसबुक चलाउण वाले नौजवानों कि अपना बठिंडे डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का मर्डर होया दिल्ली मोर्चे च। यह ठीक है, आम किसान दे समझण वास्ते यह गल है कि मर्डर हो गया, बंदा मर गया, लेकिन जिहड़े असी हाँ जिन्ना जिहड़े मोर्चे नूं चला रहे हैं, जिन्ना दे दिमाग च सोच है कि इहनूं इह क्यों होया, असी तो यह भी सोच रहे हैं कि किते यह कतल सरकार ने आपदे बंदियां तो ना करवाता होवे कि लोकां दे विच मगर पिंडां दे विच जां स्टेटां दे विच इक दहशत दा माहौल बन जाए, लोग डर जाण कि इह उत्थे दा जी लोग मारने शुरू करते, अंदोलन नूं कमजोर करन दी चाल ना होवे। और यह सारियां गल्लां दे उत्ते दिमाग 24 घंटे लग्या होया। और उन्हां समयां दे विच रात नूं दो दो बजे तक प्रशासन दे नाल मीटिंगां होईयां कि इहदा दसो की कारण है, इहदा किधर नूं जा रही है तुहाडी जांच। पोस्टमार्टम होया तीजे दिन, पोस्टमार्टम तो बाद डेड बॉडी लैके इत्थे आए हाँ। तो जदों दे डेड बॉडी लैके इत्थे आए हाँ, मेरा ख्याल है ये भी तुसी सारिया ने भावें उन्हूं इखलाकी तौर दे उत्ते असी ठीक नहीं मनदे, पर जो मलोट दे विच गुस्से च आके साडे किसानां ने तो होया है जां कीता है वो उस दिन की घटना वो वापरी भी है। तो मेरा ख्याल है लगातार जिहड़े साडे उस मलोट मुक्तसर एरिए दे लोक ने उन्हां नूं पता है कि मैं उस दिन तो ही लगातार उत्थे हाँ। अंदाजा ला के दस्यो भी उस घटना दे विच जाके अपना पैर ला के खड़ना बनता है या नहीं बनता, ईमानदारी नाल दस्यो सारे साथी। क्यों भी दोस्तों उत्थे उन्हां किसानां नाल खड़ना फर्ज नहीं बनता, अपना बनता है ना। उत्थों रात दी मैं थोनू रात मैं 4 बजे वापस घरे गया आई जी नाल मीटिंग करके कि तुसी ये जिहड़ा कुछ है इनू इस तरीके दे नाल ना करो, इहदे नाल पंजाब पूरे पंजाब दा माहौल विगड़ेगा। तो असी आपसी मीटिंगां साडियां जारी है, साडी लीडरशिप ने इत्थों तक असी ऐलान करता कल साडे बंदियां ने उत्थे अपनी जथेबंदी ने कि बई असी आम किसानां नूं नहीं जेल जाण दी कोई लोड़ पैण देंगे, असी जावांगे किसान यूनियन वाले जेल दे विच जे जेल जाण दी लोड़ पैंदी है। तां इह ऐलान होया उत्थों तां अज हुण मैनूं ऐ दस्सो भी इह सारा कुछ दी जदों उलझना साडे ते किन्नियां है, फिर साडे ते कई वी हो है गल कि इहनूं तुसीं फैसला लैणा जिहड़ा उहनूं संयुक्त मोर्चे दे विच दी निकालो। हुण संयुक्त मोर्चे दे विच जिहड़ी लीडरशिप आ उह बाहरलियां स्टेटां दी भी है, उहनां सारयां नूं असीं सद के बहुत छेती तुहाडी जिहड़ी मन दी भावना है वाहिगुरू कृपा करे इहनूं आपां हल कर लांगे, कोई घबराउण वाली गल नहीं, असीं तुहाडे नाल हां। नौजवानां तों एक सूत भी बाहर नहीं, तुहाडी भावना मुताबिक इह सारा कुछ होएगा, कोई इह डरन वाली गल नहीं गी। कोईवें मन च ना रखी रखो कि लखे नाल साडी कोई दूरी है, कोई लखे नाल दूरी नहीं, लखा साडा और साडा ही रहेगा। और जदों लखे ने महाराज दे विच जिहड़ी रैली हुई है उस रैली दे विच किसी किसान जथेबंदी के खिलाफ ना बोलते हुए सगो ये किया है भी आपां मोर्चा जितना मोर्चा तकड़ा करना है, तो फिर आपां सारे यार उस स्नेहे नूं समझ गए
कि मोर्चे नू पहल देईए, मोर्चा साडा तकड़ा है, मोर्चा जित लईए दुश्मन साडा तकड़ा है। दुश्मन सच्चियों तकड़ा है यार, तुसी उहनू समझो तुहाडा दुश्मन किड्डा तकड़ा है। इहदे खिलाफ बुद्धि नाल लड़ना पैना है, बहुत समझदारी नाल लड़ना पैना है। हुण अभिमन्यु कुहाड़ बोल के गया है, वह एक नौजवान है सर, मेरा ख्याल तुहाडी उम्र दा ही उह है, गर्मजोशी तो उहदे च वी उन्नी है ना, लेकिन जिहड़ी उह गल कह के गया उहनू बहुत समझण दी लोड़ है। बीजेपी बाहरलियां स्टेटां दे विच घिर चुकी है, जिवें जिवें अंदोलन बाहरलियां स्टेटां वल नू वध रिहा है। आ मैं तुहानूं दो चार गल्लां उह दस रिहा हां कि अंदोलन कित्थे खड़ा तुहाडा, तुहाडे लई तुसीं पिंडां च बैठे हो, अज इत्थे आए हो, साडी जिम्मेवारी बनदी है दस के जाइए कि अंदोलन अपना कित्थे खड़ा है। अंदोलन बाहरलियां स्टेटां दे विच दिनों दिन फैल रहा है और बहुत वड्डी पद्धर ते फैल रहा है। यूपी नूं आपां सारे मानदे हां कि यूपी जिधर नूं पलटा मार गई समझ लो वह गया, अगर जिहदे खिलाफ पलटा मार गई यूपी वह गया। इस वेले यूपी पूरी उबाला दे विच है, उबल रही है यूपी, तुहाडे नालों ज्यादा यूपी उबल रही है। तो इहदा मतलब आपां अंदोलन बाहरलियां स्टेटां वल नूं जिवें व्याह वध रहा है, हुण सरकार की कोशिश यह है कि अंदोलन की शुरुआत पंजाबियों ने की है, तो पंजाबियों नूं इत्थे पंजाब च ही उलझाया जाए, वो आपां नूं पंजाब च उलझाउणा चाहुंदे आ यार। मैं उस दिन भी यह गल कही सी, पहले दिन ही बहुत बारी मेरे नाल सवाल जवाब हुंदे आ इन्हां दे कि जी गरेवाल साहब आ कहिंदे आ इहदा की करिए। मैं ये कहना हुन्ना भी गरेवाल की औकात की है, उहदा लैवल की है, कि वह इहदे बारे अगर बीजेपी के किसी लीडर की होंद है, अगर बीजेपी के किसी लीडर की मौजूदगी वह अपने आप को महसूस करता है कि मैं कुछ करन जोगरा हाँ, तो उन्हें घट्टो घट ये पता है ना कि वोटां तो पंजाब चों मिलनी है ना। अगर उन्हें MLA बनना, MP बनना, पंजाब चों ही बन के जाना है, तो घट्टो घट पंजाब के हक के विच जाके केंद्र दे विच रौला पावे, भावें उन्हें मरन मरते भी बहना पवे, तो उत्थे बैठन का फर्ज बनता ना उन्हां दा। अगर वह करके बैठूगा कोई बंदा तो की पंजाब के लोग जानणगे नहीं, उहदी रिस्पैक्ट नहीं करनगे। जिहड़ा भी पंजाब का बीजेपी का लीडर बीजेपी नूं छड्ड के साडे अंदोलन दे विच शामिल हुंदा है, तो लोग उहदे उहनूं जफ्फियां पाउंदे है, तो जे कोई अजिही कम करेगा कि जेकर बीजेपी सरकार नहीं मानदी असीं मर जाएंगे, तो मेरा ख्याल है असीं उहदा सत्कार नहीं करांगे, करांगे ना। तो जे अजिही बयानबाजी इहो जी करनगे तो फिर गुस्सा भी आऊगा, गुस्सा आउणा तो सुभाविक है। जदों सानूं साडे नौजवान यह कह रहे हैं, मैं परसों चौथे एक रैली दे विच किते गया कट च, ईमानदारी नाल मैं गल करदा, मैनूं कहा ठल के गया मुंडिया ने कि जी इहदा करो कोई हल, आ हरजीत गरेवाल दा। और मैं उन्हां नूं कहा ना यार तुसीं कोई हल हुल करन वाले पासे ना तुरो, ते उदों पता लग्गिया जाके जदों ओमलोट दे विच जब खड़ा हो गया। इन्हां लोकां नूं इह लोक बयानबाजी इह जी, पता दो कारण इन्हां दे अजिही बयानबाजी देण दे, एक तो जिहदा कोई आपदी पार्टी दे विच वजूद नहीं, उह चाहुंदा है भी मैं इत्थों बहुत गर्म ते अग लगड़े बयान देवां जिहदे नाल मोदी जी कहे भी यार आ तां साडा बहुत वधिया लीडर है, शायद मैं किसी लाइन च आ जा, शायद मैनूं कोई टिकट मिल जाए। एक तो उन्हां दी इह दौड़ है, दूसरा पंजाब दा माहौल विगाड़न दे विच कोशिश कीती जा रही है। सिर्फ पंजाब दा माहौल विगाड़ के दिल्ली दे अंदोलन नूं तुसीं आ, मैं फिर बेनती करा, अगे भी बुलारिया ने बोलिया है, बाबा जी बोल के गए ने डिबडबा साहब कि यह अंदोलन थोड़े ते टिकिया, थोड़े ते सरदारी आ थोड़े हाथ च इस अंदोलन की। वह चाहते ने कि अगर पंजाबी पगां वाले पंजाब च उलझ जाण तो दिल्ली दे विच अंदोलन आ जिहड़ा कमजोर किया जा सकता है, वह आपां नूं इत्थे लिजाउणा चाहुंदे आ। इस करके मेरी हथ बन के बेनती है कि विरोध जिहड़ा करना है बड़े बड़े तरीके नाल, बहुत वधिया तरीके नाल करो, कोई ऐ ना ऐ ऐसा ना करिए कि आपां हुण मैनूं 5 दिन हो गए ऐसे काम च उलझे फिरदे आ साडे कोलों कि भी साडे बंदे रेस्ट क्यों कीते, वह अगले दिन रेड मार लईए, करन दी की लोड़ है। सानूं थोड़ी समझदारी नाल
ये स्टैप चकने पैणगे। सो मैं एक हुण थोड़ी जी गल तुहाडे नाल होर इस विषय ते करनी चाहुंदा है कि इत्थे पत्रकार भी मेरे ते सवाल कर रहे सीगे कि जी ज्ञानी जी ये कहिंदा है कि दसो कानूनां दे विच काला की है। ओही बयान घुमाई जांदे आ मूर्खां वर्गे लीडर पता नहीं किहो जिहे की खा के आउंदे आ इह लोक। ते मेरा ख्याल है हजार बारी असीं इहनां दा जवाब दे चुके हां, ते जदों असीं इहदा जवाब नहीं दिंदे फिर पता की कहना शुरू कर दिंदे आ, लो जी साडे सवाल दा जवाब नहीं दिंदे, फिर इह आउणा शुरू हो जांदा है। हुण कानूनां दे विच काले दी गल की है, तुहानूं सारिआं नूं पता है ना प्रेस दे माध्यम दे राही ज्ञानी जी नूं मैं दसना चाहुंदा कि कानून च काला की है। सब तो पहली गल तां कानून बनाउण वालिआं दी नीयत ते नीति काली है, उहनां दी भावना काली है, तां कानून काले ने। दूसरी गल कानून बनाउण वालिआं दे तरीका गलत है, संविधान नूं जिहड़े संविधान दी इह लोक सौ खांदे आ रोज, उस संविधान नूं तोड़ के कानून बनाया गया है। संविधान इहनां नूं इह कानून बनाउण दा राइट ही नहीं दिंदा जिहड़ा कानून साडी बीजेपी सरकार वल्लों बनाया गया है। तीसरी गल मेरे वीरो, इस कानून दे विच ये तीन कानून ने, दो ते कानून नवे बनाए आ, तीजे दे विच सोधा कीतियां है, ते उहदे च इक गल कही है, हुण तुसीं इहनूं समझोगे जदों फिर पता लगूगा। ये गल कही कि किसान नूं कोर्ट जां अगर पैसे लैण देण दा झगड़ा हो जाए किसान दा ते खरीददार दा, किसान कोर्ट नहीं जा सकदा। हुण ये गल नूं तुसीं समझो वी जिथे लोकां दा कोर्ट जाण दा अधिकार खोलिया जावे कि ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾ ਹੈ ਨਾ? ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ, SDM ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ SDM ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਛੇਤੀ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ DC ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਛੇਤੀ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ SDM ਤਿੱਕਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਜੇ ਨੀਅਤ ਕਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਆਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਜੂ ਹੋਰੀ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਔਲਖ ਰਾਜੂ ਔਲਖ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, 3-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, DC ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ SDM ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SSP ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, DSP ਨੇ ਕਰਨਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ SDM ਤੇ DC 4-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਸੋਚੋ ਭਲਾ, ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਮਨ ਐਂ ਕਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਵੀ ਨਿਬੇੜੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝੋ ਜੀ,
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝੋ ਜੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੀਕਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾਊਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਜੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਰੱਖੂਗਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਆਹ ਮੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰੋਲ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਫਰੋਲ ਲਿਓ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਂ। ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰੂਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਊਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਖਰੀਦੂ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਸਮਝੋ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੂਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਲ, ਡੇਢ ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਨੇ ਸਿਮ ਫਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਡਾਟਾ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ? ਦਿੱਤਾ ਨਾ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਨੀਆਂ ਟਿਕਾਲੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ? ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, FCI ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ 50 ਰੁਪਈਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੋਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੇਚੋਗੇ? ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਈਏ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਗੋ ਭਾਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
बेचांगे असी उत्थे। और दो साल तो बाद FCI टुटेगी, मंडी सिस्टम खत्म होएगा। और जदों खत्म होया उदों साडी फसल का रेट बिहार UP वाला होएगा प्यारियो। आ थोड़े जिले ने भी अज की बहुत उदों जदों बाहर तो झोना आके वेक रहा सी, फड़दे रहे हो ना तुसी सारे, फड़िया ना वो क्यों आउंदा सी? साडा झोना 1888 विकदा है, तो जे बाहर रेट 1888 होवे तो बाहर इत्थे क्यों आवे? जेड़ा मोदी रोज टारा मारदा है कि MSP है, MSP था, MSP रहेगा, जे तेरा पतंदर MSP था तो वो 1800 क्यों इत्थे आके बेचिया उन्होंने? जे तेरा MSP था तो बिहार वालियां नू 900 झोना क्यों बेचना पिया, क्यों 900 नू सिटना पिया? जे तेरा MSP था वाली गल है तो साडे पंजाब दे अंदर किसानां नू 1888 नू 1840 रुपए की बजाय मक्की 600 नू क्यों बेचनी पई बई? तो इहदा मतलब दोस्तों साडे झोने का रेट भी उही होएगा जिहड़ा बिहार दे विच है। हुण इह कहिंदे ने, इह कानून च कहिंदे ने जदों सानू मूर्ख बनाउण वास्ते, कहिंदे जी मंडी खोलती तो जिथों का मर्जी किसान जिथे मर्जी जाके बेचे। मंडी खोलती तो एक शर्त लाती, वो पता है वो वे शर्त लाती कि जिन्हें आपकी फसल बेचनी है आपकी फसल का ब्यूरा देवे पहला कि मैं इन्ने किले कणक बीजी है, इन्ने किले झोना बीजा है, उसका रिकॉर्ड देवे, उसके रिकॉर्ड के मुताबिक चकांगे तो पता लग गया ना सारे। हुण तुसीं मैनूं ऐ दसो कि बिहार का किसान, UP का किसान, किसी होर स्टेट का किसान जिहड़ा इत्थे ब्यूरा ही ना दे सकिया वो पंजाब जाके फसल किवें बेच लू? तो पंजाब का किसान मध्य प्रदेश जाके फसल किवें बेच लू जदों तुसीं उत्थे उहदी फसल का ब्यूरा ही, जमीन का ब्यूरा ही ना दे सके? झूठ है ना, यह गल स्पष्ट हो रहा ना भी झूठ बोल रहे हैं, लोगों मूर्ख बना रहे हैं जिहियां गल्लां कर करके। तो मेरे दोस्तों MSP इन्हां दा बयान दिंदा गडकरी, उहदा बयान है लगभग 7-8 महीने पहलां दा, इक उह बयान दे विच बोलदा है कि MSP देश की अर्थव्यवस्था ते बोझ है, MSP नालों घट रेट दे उत्ते फसल सानू देश दे अंदर ते देश तो बाहरों मिलती है। हुण इहनूं गल नूं समझो, जे मैं गल इह कही है कि MSP साडी अर्थव्यवस्था ते बोझ है ते MSP नालों घट रेट ते, नोट करो गल नूं, MSP नालों घट रेट ते सानू फसल मिलती है। इहदा मतलब जदों FCI टुट्टी तुहाडी फसल का रेट घटेगा, संकेत मिल रहा ना? ते फसल का रेट किन्ना घटेगा? मान लो अज बिहार दे विच 900 नूं झोना विकदा है, वह 900 नूं तां विकदा है जेकर पंजाब दे विच 1888 आके भरीदा है। तां जदों पंजाब दे विच 1888 भरन वाली पॉलिसी खत्म हो गई उदों फिर उत्थे जाएगा व्यापारी 900 नूं खरीदण, उत्थे झोने का रेट 500-600 रुपया रह जू। तो जदों उत्थे 500 नूं जां 600 नूं मिलदा होया तो सानूं 1800 कदों देगा व्यापारी? साडे भी झोने का रेट उही होएगा। तो मेरे दोस्तों सवाल इत्थे समझो, जे एक क्विंटल मगर 1200 रुपये का जो घाटा पिया हर किसान नूं, एक क्विंटल मगर जो 1200 का घाटा पिया तो एवरेज के मुताबिक अपनी अपनी जिन्नी तुसी खेती करते हो हर खेती हर फसल के उत्ते 2 लाख तो लैके 10 लाख तक का घाटा हर किसान नूं पएगा। बोलो पएगा कि नहीं पएगा? क्यों भी दोस्तों पएगा ना? वह जिहड़ा घाटा पऊगा, हुण मैं तुहानूं गल इह दस रिहा, पहला ही कानून बोल रहा मैं पहला ही, तो यह दस रहा भी यह पहले कानून ने तुहानूं मजबूर किवें करना है, सहमत किवें करना है जमीन देने लई। हुण दोस्तों हर छोटे बड़े नूं जेकर एवरेज लै लईए 5 लाख रुपये का घाटा पैंदा रहा हर फसल से, तो कर्जा एक मजबूरी है किसान की, खेती करनी पएगी किसान नूं चाहे मरदा होवे, नहीं छड़ सकदा खेती। तो जदों हर साल कदे 5 लाख कदे 7